भारत माता की, भारत माता की। राम राम मंडले। अकलोज करानो कसे आहात? पंढरीच्या विठोबाच्या अक्कलकोट स्वामी समर्थयाच्या सिद्धेश्वर आणि अहल्याबाई होळकर यांच्या धरतीला मी वंदन करतो। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई, किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। जिन्होंने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं, महायुति के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज चुनाव की बात करने से पहले महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 50 साल महाराष्ट्र के लिए खपा दिए, उनके 75 साल पर विजय सिंह मोहते दादा पाटिल जी का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी भी दल में क्यों न हो, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपाया है तो उनके इस तपस्या को, उनके परिश्रम को हर किसी ने सम्मान करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आज दादा का सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। उत्तम स्वास्थ्य तो हम सब देख ही रहे हैं लेकिन उत्तम स्वास्थ्य के साथ, दीर्घायु के साथ वे हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, महाराष्ट्र की और देश की सेवा करते रहे, ये मैं हम सब की तरफ से आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं।
और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए। और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। और इसलिए मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए। साथियों, एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती बहुत अच्छी तरह जानती है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप अपने गांव में भी डीला डाला अगर पुलिस वाला आ जाता है तो आप पसंद करते हैं क्या? आपको दम वाला पुलिस वाला लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? अरे आपका बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर जी में दम ही नहीं है तो आप बच्चों को वहां पढ़ाना पसंद करते हैं क्या? अच्छा आप टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए, मजबूत नेता भी चाहिए। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया, वहीं गरीब से गरीब के कल्याण के लिए भी पूरी शक्ति लगाकर काम कर पाया। 5 साल मैंने किस तरह सरकार चलाई ये आपने देखा है। अब आपको फिर से ये तय करना है कि देश को मजबूत सरकार देंगे या कमजोर सरकार हम सह लेंगे। आप मुझे बताइए, माढ़ा वालों को जरा आप मुझे जवाब देंगे? सबका जवाब चाहिए, विराट जनसागर है, सब जवाब देंगे। बताइए माढ़ा वालों को मजबूत हिंदुस्तान चाहिए या मजबूर हिंदुस्तान चाहिए? भारत को मजबूत कौन बनाएगा? कौन मजबूत बनाएगा? कौन मजबूत बनाएगा? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की महामिलावट क्या भारत को मजबूत बना सकती है? कभी बना सकती है? जी नहीं। ये मोदी कर पाया। आप और हम मिलकर भारत में एक शक्तिशाली मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार भी बनाएंगे। आपको सहयोग से ही हम मिलकर के मजबूत हिंदुस्तान बनाने का संकल्प करने के लिए इतनी भयंकर धूप में हम तप रहे हैं। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जो आतंक के सरपरस्तों को पाताल में खोज करके उन्हें सजा देगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके साथ दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए गर्व अनुभव करेंगे। भाइयों और बहनों, जब भारत के सपूतों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर के आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको याद होगा
2014 के चुनाव में मैं एक क्षेत्र में आया था और उस समय मैंने जनसभा में कहा था और शरद राव को ललकारते हुए कहा था, और मैंने कहा था शरद राव जब सरकार में दम होती है तब नेता नहीं बोलते, फौजियों की उंगली बोलती है, फौजियों की उंगली चलती है, गोलियों की बौछार होती है, दुश्मनों के सीने चीर लेते हैं। और तब शरद राव बौखला गए थे, उनको लग रहा था ये भाषण के लिए ठीक है, करेगा क्या मोदी, करके दिखाया कि नहीं दिखाया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया, आप खुश हैं, आपको संतोष है, मेरी दिशा सही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2014 में आपके आदेश के बाद, आपकी इच्छा के बाद, आपके इस प्रधान सेवक ने देश की नीति और रीति बदल दी है। अब हम हमला होने के बाद महाराष्ट्र में कितने धमाके हो गए, कितने शहरों में धमाके हो गए, और मुंबई तो एक प्रकार से आतंकवादियों का स्वर्ग बना दिया गया था। और बाद में सरकारों ने क्या किया, कुछ कर पाए क्या, आप जरा जवाब दीजिए, कुछ कर पाए क्या, चुप बैठे थे कि नहीं बैठे थे। भाइयों बहनों, अब हमला होने के बाद हम घर में घुसकर मारते हैं। आपको नए भारत की नई रीति, नई नीति, क्या यही रास्ता पसंद है कि नहीं है, यही रास्ता आपको मंजूर है कि नहीं है। लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल है जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है, वो देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपका ये चौकीदार उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। इनकी साजिशों और देश हित के बीच मैं दीवार बनकर के खड़ा हूं, और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे शक्ति दीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, माता भवानी की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, विठोबा की इस धरती से मुझे आदा चाहिए, संत रामदास जी की धरती से आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे बताइए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? भाई और बहनों, अपनी इस करनी की वजह से ही कुछ महामिलावटी दलों पर देश का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। अरसे बाद मैं एक ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां जनता और सरकार, और पहली बार देखा जा रहा है कि देश की जनता सरकार को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए, फिर से बिठाने के लिए, मोदी के हाथ में फिर से देश देने के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है, अपने खर्चे से कर रही है, अपनी समय दे रही है, इतनी कड़ी धूप में बच्चे बूढ़े माता बहने गांव शहर लोग निकल पड़े हैं, लोग घर घर जाकर मोदी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। साथियों, आपका विश्वास ही तो मेरी पूंजी है, यही मैंने कमाया है, मेरे पास और कोई कमाई नहीं है। भाइयों और बहनों, याद करिए,
पहले कितने घोटाले होते थे और हम हिंदुस्तानवासी कितना शर्मसार होते थे। आपके इस सेवक ने 5 साल सरकार चलाई है और कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है। हां, दिन में सपने देखने वालों को, झूठ बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता, झूठ पर झूठ बोलने वालों को रोकने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूं। साथियों, इस प्रधान सेवक को आपका विश्वास मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, तभी काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है। आपका साथ मिला तभी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वालों से देश के पैसे वसूल कर पाया हूं। आपका समर्थन मिला तभी 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों को एक झटके में बंद कर दी। आपने मुझे हर फैसले का हौसला दिया तभी जो महंगाई आसमान को छू रही थी, बिचौलिए मलाई खाते थे, किसान मरता था, उपभोक्ता मरता था और इनके चले चपाटे माल खाते थे, उस महंगाई को भी काबू करने का काम ये मोदी सरकार कर पाई है। साथियों, मुझ पर इस विश्वास के बीच दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे महामिलावटी दलों पर अविश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं। आप ये हमारे सारे विरोधियों के भाषण सुनिए, वो देश को कहां ले जाने हैं कुछ बताते नहीं। अब तक उन्होंने 50-55 साल देश चलाया, क्या किया बताते नहीं। आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा, उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा, कर्नाटक में जाओ वही सुनाई देगा, महाराष्ट्र में जाओ वही सुनाई देगा, बारामती में जाओ वही सुनाई देगा, माड़ा में जाओ वही सुनाई देगा। क्या सुनाई देता है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है। देश को दुनिया में गौरव कैसे दिलाएंगे, भारत की जय जयकार कैसे होगी, इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है मामला चला नहीं तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, जिस कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं।
और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। कांग्रेस और उसके साथियों को, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ऐसी भाषा बोलने वालों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों और बहनों, जो आज भी ये समझते हैं कि वो अपनी सल्तनत चला रहे हैं, वो किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी गरीब की परवाह नहीं करवा सकते। साथियों, मैं कल देख रहा था, एक बार फिर शरद राव ने मेरे परिवार होने और न होने पर भी हमला शुरू कर दिया। साथियों, परिवार व्यवस्था हजारों साल से भारत के समाज की विशेषता है। परिवार व्यवस्था ये भारत की ताकत है, भारत का गौरव है और दुनिया को सबसे बड़ी देन है। लेकिन परिवार के विषय में शरद पवार को मोदी के बारे में बुरा से बुरा बोलने का हक है। बड़े हैं मुझसे उम्र में, उनको उनकी समझ और संस्कार के हिसाब से बोलने का हक भी है। लेकिन मेरे देशवासियों, मोदी आज जो जिंदगी जी रहा है, उसने भी परिवारों से ही प्रेरणा ली है। परिवार ही मेरी प्रेरणा है। भगत सिंह का भी एक बड़ा विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। सुखदेव का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। राजगुरु का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी परिवार है। चाफेकर बंधु का भी विशाल परिवार था, वो मेरी परिवार प्रेरणा है। अरे महात्मा फुले का भी फूला फाला परिवार था, वो भी मेरी प्रेरणा है। बाबा साहब अंबेडकर का भी विशाल परिवार था, वो हमारा प्रेरणा है। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। अरे वीर सावरकर का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। परिवारों की त्याग तपस्या से हमने प्रेरणा ली है। अरे शरद राव, आप और किसी से नहीं, अकेले आपके गुरु यशवंत राव चव्हाण के परिवार से प्रेरणा लेते तो भी पता चलता कि परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। शरद राव, मैं जानता हूं आप मोदी के रास्ते पर नहीं चल सकते, और वो आपके बस में नहीं, आपकी ताकत के बाहर है। लेकिन जो परिवार वाले महान महान परिवारों ने देश के लिए जीवन खपा दिया, सब कुछ देश को न्योछावर कर दिया, अरे जरा उन परिवारों से तो सीखिए। लेकिन आप तो, आपका तो मॉडल दिल्ली का एक खास परिवार है, आप उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत गालियां पड़ी, लेकिन इन गालियों की परवाह किए बिना मैं पूरी ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के गरीबों को सशक्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। गरीबों को अपना पक्का घर देने की बात हो, घर घर में मुफ्त गैस कनेक्शन या फिर शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन हो, एक काम हमने
हमारी प्राथमिकता में किए हैं। गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी, और वो भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी, बड़े से बड़े अस्पताल में भी देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा यहां की कनेक्टिविटी हो, यहां सिंचाई की व्यवस्था हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, देश के 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों की चुनौतियों के स्थायी समाधान का भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया गया है। चीनी निर्यात करने की भी अनुमति दे दी गई है। गन्ने पर प्रति क्विंटल जो अतिरिक्त मदद सरकार द्वारा दी जा रही है, वो भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा करने का फैसला हमने लिया है। वरना पहले ये पैसे भी चीनी मिलों को उनके हाथ में दिया जाता था और चीनी मिलें मजा करती थी। साथियों, गन्ना किसानों का भला करने के लिए हम उनकी आय के साधन बढ़ा रहे हैं। इसके तहत कई दूरगामी कदम भी उठाए गए हैं। गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बने बल्कि उससे इथेनॉल भी बने, बायोफ्यूल बने, इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को भी बढ़ाया गया है। वैसे आपको बता दूं, ये टेक्नोलॉजी ये कोई मोदी के आने के बाद पैदा नहीं हुई है। अरे शरद पवार जी जिस सरकार में कृषि मंत्री थे वहां भी ये कर सकते थे, लेकिन उनको तो अपना चीनी की दुकानें चलाने में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने किया नहीं, उनको किसानों की परवाह नहीं थी। लेकिन ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। साथियों, सरकार द्वारा देश के कृषि व्यापार में सुधार भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण हाटों को बड़ी मंडियों फिर दुनिया के दूसरे बाजारों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। इन हाटों को ईनाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। साथियों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसको बढ़ावा देने का हमने काम उठाया। इन FPO सरकारी समितियों को हमने पूरी तरह इनकम टैक्स से छूट दे दी है, इनकम टैक्स फ्री किया है। किसान अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन कर पाए, मूल्य वृद्धि कर पाए, इससे भी उनकी आय बढ़ सके, इसके लिए सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस क्षेत्र में निवेश किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, 23 मई को चुनाव का नतीजा आने वाला है। 23 मई के बाद जो नई सरकार बनेगी, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, उसमें हम PM किसान योजना का दायरा भी बढ़ाने जा रहे हैं। पहले जो 5 एकड़ की सीमा थी उसे भी हटा दिया जाएगा। इन सभी प्रयासों से सभी शेतकरी समाज को बहुत लाभ होना तय है। भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा संकल्प हमने और लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब हम पानी के लिए एक विशेष जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। एक मंत्री पूरी तरह पानी के लिए ही होगा, एक पूरा विभाग पानी के काम के लिए होगा। देश की अलग अलग नदियों के पानी को, समंदर के पानी को साफ करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए काम होगा। मुझे उम्मीद है कि मांडा जैसे देश के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए
ये मंत्रालय वरदान साबित होगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, मैं लंबे अरसे तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं, वहां पर पानी की किल्लत यहां से भी भयानक है, नदियां भी नहीं है, अकेली नर्मदा और तापी नदी पर हम गुजारा करते हैं। कच्छ रेगिस्तान है, इधर रेगिस्तान है उधर पाकिस्तान है, वहां पानी नहीं था, हमने नर्मदा नदी से पानी उठाया पाइपलाइन से, 400 किलोमीटर दूर कच्छ के रेगिस्तान तक पानी पहुंचाया और वहां का किसान आज मैंगो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इतने छोटे से कार्यकाल में गुजरात में कर पाया तो यहां तो अपने आप को बड़े बड़े दिग्गज मानने वाले लोग इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इसी धरती से आए, लेकिन आपको पानी नहीं पहुंचा पाए। भाइयों, इसके लिए संवेदना होनी चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए, पानी सिर्फ राजनीति का हथियार नहीं होना चाहिए। साथियों, 23 अप्रैल को कमल के फूट पर दबल बटन दबाकर आपको मजबूत और ईमानदार सरकार के लिए वोट करना है, नए भारत के लिए वोट करना है। आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मैं एक नारा दूंगा, आप लोग पूरी तारीख से नारा बोलेंगे। मैं जरा सभी से पूछना चाहता हूं, आप बोलेंगे? आपको बोलना है चौकीदार, बोलेंगे? मैं नारा बोलूंगा, आप बोलेंगे।